hold it, 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, back one, two, four, high. What's up guys, this is Akesh Gupta और आप मुझे देख रहे मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी पे। सो गाइज, बहुत ही एक स्मॉल टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज कोई कहता है वर्कआउट इवनिंग में कीजिए या वर्कआउट मॉर्निंग में कीजिए, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, जब आपको टाइम मिले वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बस आपको वर्कआउट करना है, 1 आवर अपने लिए निकालना है। नंबर वन, अगर आपको फैट लॉस करना है तो वर्कआउट करने की जो बेस्ट टाइमिंग है, जब आपका बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल डाउन होता है, वो भी मॉर्निंग में। सो बेस्ट टाइमिंग है, मॉर्निंग में वर्कआउट कीजिए। एंड जो लोग बॉडी बिल्डिंग या मसल गेन करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है इवनिंग में वर्कआउट कीजिए। बिकॉज जब भी आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग में ना ग्लाइकोजन लेवल हमारा लो रहता है, तो कि फैट लॉस इजी हो जाता है। एंड जब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो भी आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर अपना मील कंज्यूम करना पड़ेगा। आपको लाइक जैसे मैं 8 o'clock वर्कआउट करता था मॉर्निंग में, तो मुझे 6 o'clock अपना मील ले लेना चाहिए, तो ताकि मेरे मसल्स में जो भी ग्लाइकोजन है मेरे मसल्स में मिल जाए, मुझे अच्छा पंप मिले, मैं अच्छा वर्कआउट कर सकूं। तो ये फंडा होता है, ये प्रोटोकॉल्स होता है वर्कआउट करने का। अगर आपको मसल गेन करना है तो बेस्ट टाइमिंग है इवनिंग में, बिकॉज इवनिंग में काफ़ी सारी मील्स कंज्यूम की होती हैं, बॉडी कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन से फुल ही रहता है। एंड उससे क्या होता है कि जब भी आप वर्कआउट करें आप टायर्ड नहीं फील होंगे, फुली एनर्जी से आप वर्कआउट करेंगे एंड मसल आपका जो है कैटाबॉलिक जोन में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी कैटाबॉलिक जोन में नहीं जाएगी, जिसके कारण आपका मसल गेन होगा। एंड अगर आप यही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मॉर्निंग में करेंगे तो आपका बॉडी जो है कैटाबॉलिक जोन में जाएगा एंड जिससे आप मसल लॉस भी कर सकते हैं। सो हमें फैट लॉस करना है, सो फैट लॉस के लिए मॉर्निंग में बेस्ट टाइमिंग एंड इवनिंग में मसल गेन करने के लिए। लेकिन किसी के पास नहीं टाइम होता तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स है या लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड आप कंज्यूम करें, ये सारी चीज़ें बहुत देखनी पड़े ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड जो लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना चाहते हैं अपने फिटनेस को, या मसल गेन के साथ साथ फैट लॉस भी करना चाहते हैं, तो बेस्ट थिंग है मॉर्निंग में फास्टेड कार्डियो कीजिए। कार्डियो में स्टडी कार्डियो करना है आपको, कांस्टेंट स्पीड पे जस्ट वॉक करना है, बट यू हैव टू स्वेट आना चाहिए एंड लाइक 6 की स्पीड हो और या 5.5 का स्पीड हो एंड 5 का इंक्लाइन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जैसे लोग जॉगिंग करने लग जाते हैं या भागने लग जाते हैं, वो नहीं करना, अपना हार्ट रेट को मेंटेन करके रखना है। एंड 40 मिनट्स कीजिए, 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स कार्डियो सफिशिएंट है। एंड इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए जिसके आपका मसल गेन हो सके। तो इस तरह से आप एक फिटनेस मॉडल वाली फिजिक पा सकते हैं, या आप एक फेमिना फिगर अच्छी लुक पा सकते हैं, ताकि आपके मसल्स भी बने रहें, आपका जो फैट है वो परसेंटेज है वो लो रहे एंड मसल परसेंटेज हाई रहे बॉडी से। ये इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड गाइज प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरा जो ID है राकेश _GX9 राकेश फिटनेस करके डालेंगे तो मिल जाएगा। एंड वीडियो की क्वालिटी पे मत ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैं ये क्वालिटी मेंटेन करते करते मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं वहाँ पे वीडियो बना दूंगा, अब सिर्फ ज्ञान पे लूंगा, ज्ञान लेना और चलते बनना। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये आप लोगों के लिए अच्छा और मेरे लिए भी, आप दोनों के लिए अच्छा है। सो प्लीज़ दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड और भी बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। एंड अच्छे टॉपिक होंगे अबाउट सप्लीमेंट, रॉयड्स, बॉडी बिल्डिंग एंड ब्रांड एम्बेसडर, हाउ टू गेट ए ब्रांड एम्बेसडर, किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर आप कैसे बनते हैं एंड फिटनेस में किस तरह से आगे बढ़ें एंड इस फील्ड में अर्निंग सोर्सेज कैसे आप क्रिएट करें, ये बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए स्टे ट्यून्ड।
मिलेंगे। एंड मैन फिजिक के बारे में बहुत सारी क्यूरीज थी, मैन फिजिक के लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। वैसे मैंने मैन फिजिक का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच।